सबसे पहले मैं अमन कमेटी की तरफ से घासीराम जी भाकर का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्रसिद्ध उद्योगपति मकराना के प्रसिद्ध व्यवसायी श्रीमान घासीराम जी भाकर ने हमारी इस रहमानिया पार्क को बचाने के लिए जो कदम उठाया है वो काबिल तारीफ है। हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं। पूरी अमन कमेटी के सदस्य और यहाँ पर घूमने वाले तमाम मेम्बरान की तरफ से हम घासीराम जी भाकर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के इस माहौल में घासीराम जी भाकर जैसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल यहाँ पर कायम की है। धर्म जात से ऊपर उठकर उन्होंने ये काम किया है और हमारे इन पौधों को बचाने का भरसक प्रयास किया है। अब मैं हमारे पूर्व कमिश्नर साहब नगर निगम के श्रीमान गौरी साहब से निवेदन करूंगा कि वो अमन कमेटी की तरफ से और हम सब मेम्बरान की तरफ से घासीराम जी भाकर को दो शब्द कहकर धन्यवाद अर्पित करें। भाई घासीराम जी नमस्कार। हम सब लोग ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी के लोग ख्वाजा गरीब नवाज पार्क में हैं। हमारे संयोजक भाई मकसूद साहब, दौलत खां जी और सभी पौधेदारान यहाँ मौजूद हैं। इस पार्क में पार्क का बोरिंग करीब 3-4 महीने पहले फेल हो गया था। घास सूखने लगी, पौधे दम तोड़ने लगे, लेकिन ऐसे वातावरण में आपने जो कदम उठाया, आपने जो संकल्प लिया इन पौधों को बचाने के लिए, घास को बचाने के लिए, आपने पानी के टैंकर डलवाए जिससे आज ये हरी भरी घास, ये पेड़ पौधे आपकी दुआएं आपको दुआएं दे रहे हैं। और पानी पिलाना बहुत बड़ा स्वभाव है, बहुत बड़ा पुण्य है। चाहे आदमी को पिलाएं, चाहे पौधों को पिलाएं, चाहे घास को पिलाएं, वो आदमी इस्लाम में कहा जाता है जन्नती होता है, बहिष्टी होता है जो पानी पिलाने का काम करता है। इसीलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है। ये ख्वाजा गरीब नवाज पार्क ये एक बहुत बड़ा पार्क है झोटवाड़ा के अंदर। अगर आप जैसे लोग, आप जैसे दानी लोग, आप जैसे समाज सेवी लोग, आप जैसे जात धर्म मज़हब से ऊपर उठ कर के लोग जो समाज की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, वही याद रखे जाते हैं, वही सराहे जाते हैं, ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करता है। आपकी सफलता, आपको हमेशा सफलता मिलेगी क्योंकि आपने दम तोड़ते हुए पौधों को पानी पिलाया है। इस घास को जिंदा रखने के लिए आपने पानी के टैंकर डलवाए हैं। ये दौलत खां जी का बहुत बड़ा प्रयास जो आपके संपर्क में आकर इनके माध्यम से आपने टैंकर भिजवाए पानी के, हम सब लोग बहुत खुश हैं। यहाँ पर कम से कम 1000 लोग रोज़ घूमने के लिए आते हैं। सुबह शाम में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी मिलकर के इस पार्क में बैठते हैं। और ये पार्क अगर आप पानी नहीं डलाते निश्चित रूप से पौधे दम तोड़ देते, घास सूख जाती। लेकिन हम सभी लोग ख्वाजा गरीब नवाज अमन कमेटी के लोग आपके बहुत बड़े आभारी हैं। कभी वक्त मिले आइए, इस पार्क का मुआयना करिएगा। हम सब लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। वेलकम टू ख्वाजा गरीब नवाज पार्क। हम सबकी दुआएं आपके साथ। धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद गौरी साहब, आपने बहुत अच्छा किया। अमन कमेटी के सदस्य एक बार घासीराम जी भाकर के लिए ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। और दो शब्द मकसूद साहब से होंगे, वो भी गांधी की लड़ाई लड़ चुके हैं। इन्होंने भारत माता के लिए बहुत सेवा की है और अब अपनी खिदमत समाज सेवा में दे रहे हैं। इस पार्क की खिदमत करने के लिए ये आगे आते हैं, हमेशा इस पार्क का ध्यान रखते हैं। हम इनके बड़े आभारी हैं। ये आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। भाकर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हाजी मकसूद साहब। भाकर साहब शुक्रिया, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम जितने भी इस पार्क में घूमने वाले सब आपको, आपके लिए दुआ करते हैं। और मैं आपको इसी काम के लिए एक दुआ के अर्ज में एक शेर अर्ज करता हूँ कि जहाँ भी हो खुश रहो, खुर्रम रहो, खुश रहो, खुर्रम रहो, चरख बन के चांद पर चमकते रहो। है दवा हमारी तुम क्या बने, जो कोई नहीं बन सका वो तुम बनो। वाह, मालिक आपको कामयाब करे। धन्यवाद। जय भारत। जय हिंद। जय भारत। अगेन थैंक यू घासीराम जी भाकर साहब, हम आपका बेहतरीन स्वागत करेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद। जय भारत।